हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी एट एसएमसी अमरपुर पे। आज हम फिर से मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप लाए हैं, जो कि आने वाले खासकर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और सीटेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन बताने से पहले आपको हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्या रूल होगा, वो पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या जानना है आपको, हम दो दिन से यही चीज़ पढ़ा रहे हैं। अगर ये ए है और यहाँ एन है, क्लियर है ना? और आपको हम कहे थे ए को हम कहते हैं करणीगत और एन को कहते हैं करणी घात। ये हम दो दिन से बता ही रहे हैं आपको, ठीक है ना? अच्छा, इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर 1/n। एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर ये 5 है और ये 4 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 to the power 1/4। फिर से अगर मान लीजिए ये 7 है और ये 195 है तो इसको हम दूसरे टाइप में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 195 to the power 1/7। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है तो आप कहेंगे सर इसको हम कैसे लिखेंगे दूसरे टाइप में, 3 to the power 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2। चलिए, यहाँ तक तो आप सीख गए, पहला चीज़ आपने सीख गया। दूसरा चीज़ क्या इस्तेमाल करेंगे कि अगर एन रूट ए इस पर पावर एम है, सही है ना? एन रूट ए टू द पावर एम है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम समझते हैं। ए टू द पावर एम क्या 1/n लिखेंगे ना, ए पर पावर एम, ये रूट ख़त्म हुआ तो 1/n लिखेंगे। हाँ, आपको मालूम होगा कि ए पर पावर एम और इस पर पावर एन, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए पर पावर एम बाय एन लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो बोलिए एम गुना 1 एम, 1 गुना एन लिखेंगे ना, क्लियर हुआ ना? आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ए लिख दो, सही है। ए पर क्या पावर है, हाँ सर, एम ऊपर रहेगा, रूट में क्या है एन, ए पर पावर एम बाय एन लिखेंगे। समझ में आया ना? फिर समझाते हैं आपको एग्जांपल से। अगर मान लो ये 7 है 2 है, ये मान लो 8 है, तो आप कहेंगे सर इसको लिखिए तो कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना है 7 लिख दिया, 7 पर पावर है ना 2 लिख दिया, रूट में क्या है 8, आप इसको काट भी सकते हैं 7 पर पावर 1/4। इसको हम करनी में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ना 7 पर पावर 1/4 को हम ऐसा भी लिखेंगे या इसको हम ऐसा भी लिखेंगे, आया ना समझ में? अच्छा, फिर से समझाते हैं आपको कि सर ए पर पावर एम, इस पर पावर एम, इस पर पावर मान लो पी, तब कैसे लिखेंगे सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल तो करना है, पहले इसको करेंगे, ए क्या है ऊपर में एन, रूट में क्या है एम लिख लिया ना, अब पावर में क्या है पी, कितना सिंपल हो गया हुआ ना। अगर हम फिर से कहते हैं कि सर यहाँ एन है, फिर यहाँ एम है, फिर यहाँ ए पर एक्स है और इस पर पावर वाई, तब बोलिए सर कैसे लिखेंगे, अरे कुछ नहीं करना है ए है ना, ठीक है, क्या है पावर ए में एक्स। अब देखिए करनी घात क्या है, एन नीचे एक और करनी घात है ना एम, और फिर पावर में क्या है वाई, सिंपल तो हो गया, हुआ ना सिंपल, एक ये हो गया। देखिए तीसरा हम क्या बताने वाले हैं कि अगर मान लो ये रूट एक्स है और ये क्या है वाई है, क्लियर है ना? तो एक्स बराबर अगर रूट यहाँ से हम मूव करेंगे है ना, इसको हटाएंगे तो बराबर में जो आता है वहाँ हो जाता है स्क्वायर। या एक और चीज़ समझो कि मान लो एन करनी घात ये एक्स और ये वाई, एक्स बराबर करनी अगर हटाएंगे रूट हटाएंगे तो जो ये घात है ना वहाँ हो जाएगा वाई पावर। समझ में आया ना? अगर हम एक उदाहरण लें 3x पर पावर 2, थर्ड रूट एक्स इक्वल 2,
तो बोलिए एक्स बराबर की हो जाएगा 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 8। आ गया ना समझ में। चलिए एक और इसमें बताते हैं आपको, देखिए एक और क्या चीज़ है। अगर मान लो ये 5 √5 √5 √ इस तरह से इनफाइनाइट, तो बोलेगा इसका मान क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका मान 5 होगा। लेकिन शर्त होना चाहिए रूट के बाद 5 फिर 5 फिर 5 फिर एंड सो ऑन, अनंत होनी चाहिए तब जाके 5। आप कहोगे सर कैसे हो गया 5, चलो इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट समझ। मान लीजिए टोटल क्या हो गया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये रूट हटेगा तो ये 5 √5 √5 √5 √ दे सकते हैं अनंत, क्योंकि अनंत है। अभी जस्ट आपको बताए थे ना रूट हटता है तो बराबर के बाद जो मान होता है उस पर स्क्वायर चढ़ जाता है, सही है ना। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, एक्स है ना, देखो ना सेम टू सेम एक्स, कितना एक्स स्क्वायर। आया ना समझ में। हाँ आप चाहे तो यहाँ भी ये दोनों कैंसिल, हम ये कम्पिटिटिव के लिए बता रहे हैं, तो एक्स इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ ना, यही आपको हम। अब आप डायरेक्ट कहेगा 7 √7 √7, आपको उतना नहीं करना है। अगर ऐसा कंडीशन और अनंत तक हो तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया ना, यही आपको हम बताने वाले थे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन खुद बनाएं, आपसे जल्दी बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान है, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम मॉडरेट करेंगे, इजी टू हार्ड में 4 √2 और 12 √32, सही है ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/4। अब तो क्या करना है, तो क्या हम 32 को 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, 2 4 8 16 लिख सकते हैं ना। और अभी जस्ट बताया ना पावर 5 है तो ऊपर कितना नीचे, आया ना समझ में। हाँ एक चीज़ और आप समझ, आपको समझ में आता होगा और जानते होंगे कि अगर ये सेम रहे इनटू में रहे तो पावर जुटता है, तो बोलिए ये सेम है ना, तो 2 हो गया, सब जुट जाएगा, 1/3 + 1/4 + 5/12। अब क्या करना है, एलसीएम, तो 12 आ गया, 3 चौक 12, 4 1 6 8, 4 3 12, 3 का 3 बड़का 12, 5 5 3 8, 4 12, 12 12 कैंसिल एक बार में, 2 पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, हुआ ना। लेकिन आप कहेंगे सर इतना लॉन्ग कर रहे हैं, इतना लॉन्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं, देखो यहीं पर आप एक लाइन में कर लेंगे, कैसे 2 2 यहाँ था 32, तो क्या हम 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, लिख दिया ना। अब देखिए सब इंटू है ना, 2 2 सेम है तो 1 2 लिख लिया, लिख लिया ना। और हम बोले थे ना ये सेम रहे तो जुटता है पावर, तो ये 2 पावर √3 है तो इसको 1/3 + 1/4 + 5/12 कर दिए ना। अब सारा कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12, तो आप 12 लिख लो, 3 चौक 12, 4 3 12, 12 का 12, तो 5 हो जाएगा, 7 5 3 8 4 12, 1 2 पावर 1 हो गया। बस आप वीडियो को रेगुलर देखते जाएं, श्योर है आप अगर सीख गए तो ऑटोमेटिक है आपसे स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्लियर है ना। शुरुआती में शॉर्टकट मत जाइए, मैथ सीखने का चीज़ है, जब आप 100% मैथ सीख जाएंगे तो शॉर्ट तो अपने आप बन जाएगा, क्लियर है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 √6 √5 पर पावर 9 और इस पर पावर 4 और 4 √3 √5 पावर 9 इस पर पावर 4, है ना। बड़ा आसान कर देते हैं, कैसे सर, 5
हो गया। पांच पर पावर क्या है? नौ। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन में दिए थे, रूट में है यही ना, घट कर निगात तीन गुना छो, लेकिन पावर में ऊपर क्या है? चार इंटू है, तो यहाँ इंटू कर दिए। फिर वही बात, पाँच नौ नीचे, चार तीन ऊपर चार। अब देखिए कुछ कट रहा है, तीन तिया नौ, तीन दूनी छो, दो दूनी चार। यहाँ देख लो तीन तिया नौ, चार चार कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा? पाँच पर पावर दो, यहाँ बचा पाँच पावर तीन, बचा ना। अब क्या जानते हो, जब ये सेम रहे और गुना हो तो पावर जुटता है, तो क्या हो जाएगा? पाँच पर पावर पाँच, जो कि राइट ऑप्शन है सी। आया ना समझ में? चलिए तीसरा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइव रूट एक्स पावर -3/5, इस पर पावर है -5/3 और इस पर पावर है 5। बस सिंपल तो है, कैसे सिंपल है सर? देखिए एक्स, एक्स में पावर क्या है? -3/5, रूट में यही है तो नीचे हो जाएगा 5, और फिर पावर में क्या है? -5/3, फिर पावर में क्या है? 5। कर दिया ना, देखो दो पाँच नीचे, दो पाँच ऊपर, तीन तीन कैंसिल, एक्स माइनस माइनस प्लस एक, यानी एक्स पावर एक, जो कि राइट ऑप्शन है सी। समझ में आ गया ना किस तरह से करना है? समझ में आ गया ना? फिर से हम समझते हैं, एक्स है ना, एक्स लिख दिया -3/5, अब देखो करनी घात है तुरंत नीचे लिख दिए, पावर है तो पावर में लिख दे, फिर पावर है पावर लिख दे, कैंसिल कर दो आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है थर्ड रूट सिक्स रूट दो पर पावर नाइन और इस पर पावर फोर इंटू सिक्स रूट थर्ड रूट टू द पावर नाइन और इस पर पावर फोर। ठीक है, देखिए क्या करना है, टू वन पावर है तो नाइन, करनी घात में कौन है? तीन, फिर छो, दोनों ने है ना, अब पावर में क्या है? चार इंटू, फिर देखो दो पर पावर नौ है, नीचे क्या हो जाएगा? छो गुना तीन, क्योंकि करनी घात है, ऊपर क्या है? चार। अब क्या करेंगे? तीन तिया नौ, तीन दूनी छो, दो दूनी चार। यहाँ देख लो तीन तिया नौ, तीन दूनी छो, दो दूनी चार। अब क्या हो गया? दो पर पावर दो, दो पावर दो, तो ये हो जाएगा दो पावर चार। दो पावर चार है नहीं है, इसको आप एक्सपेंड कर दें, कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड रूट सिक्स रूट फाइव पर पावर नाइन और इस पर पावर फोर इंटू सिक्स रूट थर्ड रूट फाइव पावर नाइन और इस पर पावर फोर। बस आप खुद कर सकते हैं, है ना? कैसे खुद कर सकते हैं? देखिए फाइव हो गया, पावर कितना है? नाइन, नीचे क्या लिखेंगे? तीन इंटू छो करनी घात में और पावर फिर से है चार लिख दिया इंटू, फिर वही बात फाइव नाइन करनी घात में कौन है? सिक्स इंटू थ्री ऊपर है चार। ठीक है, अब क्या करेंगे? तीन तिया नौ, तीन दूनी छो, दो दूनी चार, इधर तीन तिया नौ, तीन दूनी छो, दो दूनी चार, क्या हो गया? पाँच का स्क्वायर, ये भी पाँच का स्क्वायर, तो पाँच पावर चार। क्या पावर में है? नहीं, एक्सपेंड कर दे, पच्चे पच्चीस, पच्चे 125 और 625। अब तो हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा ऐसा प्रॉब्लम में। चलिए छठा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक्स टू द पावर है रूट टू माइनस वन पर पावर -1/2। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान, बहुत सारा तरीका है, जो आपसे आसान हो जाए वो कर लो आप। तो ऐसा करते हैं ना, हम डायरेक्ट कर देते हैं, एक्स की जगह यहाँ रखो तो होगा रूट टू माइनस वन,
माइनस वन बाई टू, ये एक्स के स्थान पर रख दिया इतना, लेकिन इस पर पावर दो है, फिर माइनस एक्स की जगह यही रखोगे रूट टू माइनस वन पावर माइनस वन बाई टू, ये एक्स के स्थान पर रख दिया लेकिन पावर में कितना है दो। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख लिया ना, जहाँ एक्स है वहाँ बैठा दिया। अब देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, अब ये क्या रूट टू माइनस वन पावर माइनस वन। अब आपको पता है ए पर माइनस वन होता है तो वन बाय ए लिखते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन बाय रूट टू माइनस वन, और बीच में क्या था माइनस था ना, माइनस, और ये रूट टू माइनस वन पावर माइनस वन, और नीचे में ए पर माइनस वन होता तो ऊपर क्या होता है ए, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया रूट टू माइनस वन। क्लियर है? और याद करिए हम ऐसा क्वेश्चन एक बार पढ़ाए थे कि अगर हम एक को रूट में लिखेंगे तो रूट एक ही रहेगा, अंतर कीजिए दो में एक गया एक, तो इसको हटा देते हैं और सिंबल बदल जाता है, तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस। आप समझ गए होंगे कैसे किए हैं, कैसे किए हैं कि इसका प्रमेयकरण कर दिए हैं, और ये तो प्रमेयकरण होगा नहीं, प्रमेयकरण कब होता है जब नीचे रहता है, नीचे था तो इसका प्रमेयकरण कर दिए, अब माइनस अंदर गया तो माइनस रूट टू प्लस वन, ये दोनों कैंसिल प्लस वन कितना हो गया टू, जो कि आपका ऑप्शन है ए। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम शुरुआती में ही बताते थे इंट्रोडक्शन में किए थे, इसका मान क्या होगा सिंपल सा तीन होगा। इसको बताने से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये फ़ायदा हमें आठवां क्वेश्चन में मिलेगा। कैसे देखो, तो ये आठवां क्वेश्चन क्या था कि हम आपको बताए थे कि रूट सात रूट सात रूट सात दूसरे अनंत रहते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं सात लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 343 सात का कितना पावर होता है, तो आप बोलेंगे सर सात पर तीन पावर होता है, अब पहले से पावर में क्या है वो है माइनस वन। क्लियर है? अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक आप जानते होंगे कि अगर ए पर एम इक्वल ए पर एन हो और ये दोनों बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो देखिए सात सात बराबर है ना, तो पावर बराबर हो जाएगा, तो एक कितना बराबर है एक पावर के बराबर, तो पावर में ब्रैकेट टूटेगा तो ये तीन सब में मल्टीप्लाई होगा 3y-3। अब ये माइनस थ्री इधर आ गया तो प्लस फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y, और y बराबर तब कितना हो जाएगा 4/3, जो कि आपका ऑप्शन है सी। तो ये रहा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लाभ सभी के पास पहुँचे, और हम डेली डेली ऐसा ही मैथ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और लाएंगे, ताकि आने वाले खासकर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी यहाँ तक कि सीटेट मैथ में भी हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन लाते हैं ऐसे ऐसे बुक से निकाल के जो कि प्रीवियस में पूछा हुआ है, और डेली हम लाएंगे, और ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं लाएंगे, अधिक से अधिक 10 लाएंगे, है ना, 10 हार्डली क्वेश्चन 10 रहेगा, कम हो जाए लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं लाएंगे। कारण है कि 10 से ज़्यादा अगर लाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे फिर आप छोड़ देंगे, तो हम छोटा छोटा ही वीडियो लाएंगे लेकिन कंटिन्यू लाएंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कारण है ये चैनल आपका चैनल है, इस क्षेत्र का चैनल है, एक गांव का चैनल है, और अगर आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो मेरा और मनोबल बढ़ेगा, और भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे मैथ में जो कि प्रॉपरली पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट बैठे हैं घर में, तो प्लीज़ समय निकाल के मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा लंबा है नहीं, आधा घंटा का वीडियो है, तो प्लीज़ आप देखिए शुरू से लेके लास्ट तक।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।